पीछे से करने पे ज्यादा क्यों अच्छा लगता है? पीछे से करना या आगे से करना या फिर दोनों करना, क्या प्रेफरेंसेस हैं? व्हाई एनल इज मोर पॉपुलर या उसे ज्यादा सेंशुअल क्यों माना जाता है? क्या ये सेफ है, क्या ये नहीं है, क्या इसमें दर्द ज्यादा होता है? सबके बारे में बात करेंगे। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोज के लिए कनेक्टेड रहें। जहाँ मैं बात कर रही थी एनल सेक्स या फिर पीछे से करने की, वो एक तरीका है जो कि आपके प्लेजर्स को ज़्यादा इंक्रीज करता है। मोरओवर फीमेल में जो ऑर्गेज्म की मैं बात कर रही हूँ, वो एनल सेक्स करने पे जल्दी आता है एज़ कम्पेयर टू द वजाइनल सेक्स। बट वजाइनल सेक्स एक सेफर मेथड है और उसे बनाया ही ऐसे गया है ताकि आप पेनिट्रेशन कर सको, जहाँ से फ्यूचर में बच्चा आता है या फिर उसकी जो वॉल्स हैं वो एक्सपैंडेबल हैं, वो बढ़ सकती हैं, वो घट सकती हैं। लेकिन जो आपका एनल एरिया है वो डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए बना हुआ है, जहाँ से बॉडी का वेस्ट बाहर जाता है, तो उसका एक्सपैंड होना और वापस होना मुश्किल है। प्लस वो एरिया की जो ओपनिंग है वो काफ़ी छोटी है एज़ कम्पेयर टू योर वजाइनल वॉल्स, क्योंकि वजाइनल वॉल रिट्रैक्ट हो सकती है, मतलब खुल सकती हैं, लेकिन जो आपका एनल सेक्स के या हम जो पीछे का बोल रहे हैं वो ओपनिंग काफ़ी सख्त और वो रहती है। सेकेंडली, वजाइनल सेक्स में ल्यूब्रिकेशन काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं, सेक्सुअल फील कर रहे हैं, तो वजाइनल सेक्स में ल्यूब्रिकेशन है। लेकिन जब हम एनल सेक्स कर रहे हैं या जो पीछे से कर रहे हैं, तो वहाँ पे ल्यूब्रिकेशन नहीं है, तो वहाँ के लिए आपको ऑयल यूज़ करना पड़ता है या फिर आपको स्पेशली कुछ और चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है ताकि आपका जो ये ल्यूब्रिकेशन है वो बेटर हो जाए। फिर हम बात करेंगे क्यों एनल सेक्स प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वो कपल्स जो कि नए नए पोजिशन लेना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, स्पेशली पीरियड्स वाले डेज में जब हम वजाइनल सेक्स करें तो काफ़ी सारा ब्लीडिंग हो रहा है वहाँ से, तो ऐसे में आप ट्राई कर सकते हैं। बेबी होने के टाइम पे आप एनल ट्राई कर सकते हैं, ऑर्गेज्म के लिए वो बेटर होता है, पोजीशंस के लिए वो बेटर होता है, या फिर हम जब हम थोड़ा सा और स्पाइसी करना चाहते हैं तो भी हम एनल सेक्स ट्राई कर सकते हैं। यंग कपल्स इसे बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं, वेयर एज जैसे जैसे एज इंक्रीज होने वाली होती है, जिन लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया उन्होंने उसका डर या हवा ही बनाया हुआ है कि ये काम नहीं करता। ओरल, एनल, वजाइनल तीनों ही काफी अच्छे वेज हैं आपके सेक्सुअल लाइफ को बेटर करने के लिए, लेकिन ये आप दोनों के कंसेंट और प्राइवेसी पे भी डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे करते हो। बट मेजर इशू जो बहुत ज्यादा आता है कि कई लोगों से वजाइनल सेक्स में पेनिट्रेशन नहीं होता, तो वो एनल कैसे करेंगे? जब आप ओरल कर रहे हो तो आपका जो पेनिट्रेशन है वो काफी सॉफ्ट है, क्योंकि आपके मुंह की जो भी कवरिंग है या मसल्स है वो बहुत सॉफ्ट है, तो उसमें आपका इरेक्शन ठीक रहता है। फिर जब आप वजाइनल सेक्स करते हो तो आपका इरेक्शन ऑन एंड ऑफ होता रहता है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम है तो आपको इतना पता नहीं चलता। आप ऐसे में जितना वहाँ 100% कर रहे हो ओरल में, वजाइनल में वो 60-70 पे आ जाता है। फिर जब आप एनल करोगे तो आपका 10% भी नहीं टिकने वाला अगर आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम है। तो क्या करूँ, आज ही इंक्लूड कर लो लिफ्ट अप ऑयल और लिफ्ट अप कैप्सूल अगर आपके इरेक्शन में ना इतू सा भी प्रॉब्लम है। अगर आपको लग रहा है ना मुझे वजाइनल सेक्स ही नहीं करा जा रहा, मेरा इतना वीक हो गया है पेनिट्रेशन, मेरे इरेक्शन में इतना प्रॉब्लम आ गया है कि वो 1-2 मिनट भी बहुत बड़ी बात है, वो टिक ही नहीं पा रहा और लूज होता जा रहा है, तो लिफ्ट अप ऑयल यूज करो। इसके अंदर शतावर, शिलाजीत, कॉन्च और क्लव है, जैसे हम कहते हैं लॉन्ग है, जो कि वहाँ की मसल्स और नसों को स्ट्रॉन्ग करता है। प्लस इसके साथ ऐड कर लो लिफ्ट अप कैप्सूल, जो कि एक ऐड ऑन कॉम्बो है, अपने बेडरूम में ज़रूर रखो। ये हेल्प करेगा आपके ल्यूब्रिकेशन में, आपकी फोरस्किन टाइट है उसके लिए हेल्प करेगा, प्लस साइज रिलेटेड इशूज़ के लिए हेल्प करेगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, क्योंकि आयुष प्रमाणित है तो सेफ है, ताकि आप इसे ट्राई कर सकते हैं। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। तो क्या करना है, एनल, ओरल और वजाइनल तीनों को ट्राई करके देखो, देखो आपके लिए क्या बेटर करता है। और कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं होना है कि मैं तो इसे कभी भी नहीं करूंगा, मैं तो करता ही नहीं, मैं तो करूंगी ही नहीं। ट्राई टू एक्सप्लोर, बिकॉज सेक्स इज मोर ऑफ एन एक्सप्लोरेटिव एक्टिविटी। ये कोई स्टैंडर्ड चली चलाई बुक नहीं है कि ये 3 ही पन्ने रोज पलटने। ट्राई न्यू थिंग्स, इट्स अ वास्ट थिंग टू ट्राई। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोज के लिए कनेक्टेड रहें।